हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ बच्चों द्वारा पूछा गया भी क्वेश्चंस और कुछ वर्ड प्रॉब्लम को भी हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा, दो क्वेश्चन करीब सम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन। तो इसी दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे होगा। और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं, मैसेज के थ्रू आप कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। दैट मींस हमें m का वैल्यू निकालना है, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो सबसे पहले ये जो दोनों इक्वेशन है, इस इक्वेशन से बच्चों हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। मेथड यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं। और फिर आप लोग x और y का वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे रखेंगे, दैट मींस हमें क्या मिल जाएगा, m का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले था गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल 11, द फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 11। दैट मींस हम इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू x की करें या अकॉर्डिंग टू y की करें, तो हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगा। और इस थर्ड इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हमें x का वैल्यू या y का वैल्यू जिस कंडीशन से हम लोग चले वो हमें मिलेगा। देखते हैं हम यहाँ पे इज इक्वल टू 11 x के अकॉर्डिंग टू करते हैं, थर्ड इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। 3x हमारा मूव होगा यहाँ पे 3y, दैट मींस x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, और ये 2 मूव करेगा नीचे। ये हमें क्या मिला, ये बच्चों हमें थर्ड इक्वेशन मिला। हमें क्या मिला, ये हमें थर्ड इक्वेशन मिला। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में y की जगह हम रखेंगे, यहाँ पे देखें इस थर्ड इक्वेशन को, दैट मींस हम इसके बाद सेकेंड इक्वेशन को फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। यहाँ पे 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। बच्चों x की जगह क्या करेंगे, x की जगह जो हमारा थर्ड इक्वेशन में आया है, x की जगह 11 माइनस 3y by 2 इसे रखते हैं। x की जगह क्या रखेंगे, 11 माइनस 3y by 2, फिर माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये तो मल्टीप्लाईकेशन में है, इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 11, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y, फिर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब हम देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल को एक जगह और नंबर को एक जगह, दैट मीन्स इसे हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनस 3y और माइनस 4y, दैट मीन्स इसको माइनस माइनस प्लस, 9 माइनस में 7y इज इक्वल टू, फिर ये हमारा पॉजिटिव है, मूव करेंगे हमें क्या मिलेगा नेगेटिव, दैट मींस माइनस 24, ये 11 मूव होगा माइनस 11, दैट मींस माइनस 7y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, माइनस 35। देन y इज इक्वल टू माइनस 35 बाई माइनस 7, माइनस 7 कैंसिल करेंगे हमें 5, दैट मींस y इज इक्वल टू हमें क्या मिला बच्चों 5। y का वैल्यू हम यहाँ पे क्या निकाले, y का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 5 निकाला। अब हम यहाँ पे
एक और थोड़ा सा हम थर्ड इक्वेशन का यूज करके अब x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक काम करते हैं, यही पे यहाँ पे हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यही पे हमें निकल सकता है। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूँ, ये हमारा थर्ड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2, और हमें यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिला 5, यानी x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, यहाँ पे क्या मिला 5, यहाँ पे 5 ये इंटू 5 बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि इसे जब हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 11 माइनस 15 माइनस 15 बाई ये 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा माइनस 4 बाई 2, कैंसिल करेंगे माइनस 2, हमें x का वैल्यू माइनस 2 मिल गया, हमें x का वैल्यू क्या मिल गया माइनस 2। अब बच्चों यहाँ पे हमें y का वैल्यू और यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिला। अब इस y और x के वैल्यू को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, y इज इक्वल टू हमें m का वैल्यू पुट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की जगह 5 को रखेंगे, m की जगह माइनस 2 रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं इसको, इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं, m का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देते हैं, then y is equal to m x और प्लस 3। y का वैल्यू हमें कितना मिला, y का वैल्यू हमें 5 था, वहां पे हम इरेज कर दें, यहां पे y का वैल्यू हमें 5 मिला था, तो y is equal to यहां पे हम 5 रखेंगे, 5 और m, और x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह -2, यानी यहां पे -2 प्लस 3। अब बच्चों ये 3 प्लस में है, मूव करेंगे, यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 है। अब हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे 2 मिलेगा, और ये माइनस, दैट मींस इस माइनस एन को इधर लाएंगे तो माइनस, और ये माइनस नीचे, यहाँ पे ये माइनस 2 नीचे आ जाएगा हमें, तो ये क्या मिलेगा एन, और आप जानते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म से हम माइनस डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, ये माइनस मूव होके न्यूमिनेटर में ऊपर वाले में आ जाता है, दैट मींस यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं हमें तो m, यानी हमें m क्या मिला, हमें m का वैल्यू माइनस, हमें m क्या मिला, m इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू हमें क्या मिला, x का वैल्यू हमें -2, x का वैल्यू हमें -2 मिला था, और y का वैल्यू हमें 5 मिला। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग गुने इस प्रकार देखा, आप लोग भी सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार फिर से देख ले, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड अदर नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं कि इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन को हम लोग बना सकें। इसके बाद वाले वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम को भी कुछ सॉल्व कर सकूँ। देखेंगे, ये हमारा इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दैट मीन्स दो नंबर और उनका डिफरेंट 26, अदर नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दैट मीन्स जो दूसरा जो नंबर है वो 3 गुना ज्यादा है फर्स्ट से, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स वो दोनों नंबर को हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन रहा कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड अदर लिखिए या सेकंड लिखिए, यहां पे अदर लिखिए या सेकंड, अदर नंबर बी वाई। एक बच्चों यहाँ पे हम लोग कंडीशन रखते हैं,
कंडीशन ये रखते हैं कि अगर हम x को दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, क्योंकि डिफरेंस है तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार ही हम यहाँ पे कंडीशन रखते हैं कि x को हम ग्रेटर कर देते हैं y से, x को हम बड़ा कर देते हैं। तो अगर हम देखें फर्स्ट ही आप लोग यहाँ पे लाइन देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दैट मींस इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज द गिवन इंफॉर्मेशन है, उसके अनुसार इन दोनों नंबर का डिफरेंस, तो x माइनस y इज इक्वल टू 26, x माइनस y इज इक्वल टू 26। अब एक चीज जो यहाँ पे और देखेंगे, मैं यहाँ पे x को मैंने यहाँ पे बड़ा किया, अगर हम यहाँ पे y को अगर ग्रेटर करते हैं, y is greater than x, तो हमें क्या मिलता, तो हमें y minus x is equal to 26, हमें ये मिलता। इस सिचुएशन के तहत हमने यहाँ पे x को यहाँ पे क्या किया, बड़ा किया, तो हमें क्या मिला, x minus y is equal to 26। अब ये फर्स्ट हमारा हो गया, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन देख ले, यहाँ पे बहुत इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, x minus y is equal to 26, then उसके बाद and the other number is 3 times the other, यानी कि जो दूसरा नंबर, यानी ये फर्स्ट देखें, ये नंबर जो बड़ा है वो ये y से 3 times ज्यादा है, 3 times यानी 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो अगर हम यहां पे x आपका तो बड़ा है और y, अगर इस इक्वेशन को अगर हम यहां से y से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये x क्या है हमारा, x 3 times बड़ा है, तो इसको अगर y से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मींस 3y, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या मिलेगा, हमारा x जो होगा वो ये 3x इक्वल हो जाएगा, दैट मींस यहां पे भी हमें क्या मिला, यहां पे हमें सेकंड इक्वेशन हमें मिला। अब आसानी से हम लोग पुट यहां पे कर भी सकते हैं, यहां पे कुछ करना भी नहीं है, x की जगह आप अगर यहां पे 3y यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, आप x की जगह 3y यूज करते हैं, तो y का वैल्यू आ जाएगा, और y का वैल्यू फिर यहां पे रखते हैं, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। देख सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ही x माइनस y इज इक्वल टू 26, x का वैल्यू क्या पे है, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं यूजिंग यहां पे सेकंड इक्वेशन को, थर्ड 3y इज इक्वल टू x की जगह हम क्या यूज किए 3y, और फिर माइनस y इज इक्वल टू 26, और 3y माइनस y इक्वल टू 2y, यहां पे हम लोग यहां पे क्या मिलेगा 3y माइनस 1y 2y इज इक्वल टू 26, दैट मींस y इज इक्वल टू 26 by 2, कैंसिल करेंगे 13 आएगा, y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू हमें 13 मिला। अब फिर इसे हम क्या करेंगे, फिर इसे हम सेकंड इक्वेशन पे, यहां पे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इनटू y का वैल्यू क्या है, हमें y का वैल्यू हमें 13 आया, दैट मींस x इक्वल टू 13 इनटू 3 39, हमें यहां पे 39 मिला, x का वैल्यू भी हम लोगों को मिल गया 39, और यहाँ पे y का भी वैल्यू मिल गया। आप देख सकते हैं ये कंडीशन के अनुसार x क्या है हमारा ग्रेटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे x क्या है हमारा 39 है, और y जो है ये स्मॉलर है x से, तो ये हमारा सेकंड यहाँ पे व्हाट प्रॉब्लम इसको हम कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे, और आशा करता हूं मैं कि आप लोग घर पे बैठ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। That's it.